अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सवाले सोरठिया है और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हज़रत अली का मैं आपको फ़ैसला बताने वाला हूँ, वो एक बंदा मर रहा होता है और वो अपनी एक वसीयत लिख कर जाता है। अब वो वसीयत बहुत ही डिफरेंट किस्म की होती है, जो लोगों को समझ नहीं आती कि उसके जो ऊँट हैं उन ऊँटों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है उसके 3 बच्चों में। उसके पास कोई 17 कैमल्स होते हैं, 17 कैमल्स, उन 17 कैमल्स की वो डिस्ट्रीब्यूशन बता के जाता है कि जो मेरा पहला बच्चा होगा, पहला जो मेरा जो बंदा बच्चा है उसको हाफ ऑफ द कैमल्स दे दिए जाएं, दूसरा जो मेरा बच्चा है उसको जो है वो तकरीबन 1/3 कैमल्स मिलेंगे, यानी तीसरे का एक हिस्सा, ठीक, और जो मेरा तीसरा जो बच्चा है उसको जो कैमल्स मिलेंगे वो 1/9 कैमल्स मिलेंगे। कितने में से? 17 में से। तो 17 कैमल्स का हाफ करना ऑब्वियस बात है पॉसिबल नहीं है। अगर आप 17 का हाफ करते हैं तो वो 8.5 आता है, तो ऑब्वियस बात है कैमल्स उस तरीके से तो डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं सकते थे। तो बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद लोगों ने ये सोचा कि इस फैसले के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए, तो लोग जो है वो मौला अली की बारगाह में जाते हैं और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये पूछते हैं कि अब आप बताएं कि हम ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, इन कैमल्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हजरत अली ने बड़ा ही आसान सा एक फैसला बता दिया। हजरत अली ने कहा कि 17 कैमल्स ये हैं और एक कैमल ले आओ मेरा, मतलब हजरत अली का एक कैमल ले आओ और टोटल 17+1 ये हो गए आपके 18 कैमल्स। इन 18 कैमल्स को अकॉर्डिंग टू दी जो मरने वाला जो बंदा जो है उसके अकॉर्डिंगली सर ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले बंदे को, जो पहले बच्चे को जो मिलने थे ऊंट सर, वो हाफ थे। अब 18 का हाफ कितना होता है, क्योंकि 17 तो वो दे के गया था और एक हजरत अली का ऊंट, तो 18 का हाफ कितना होता है, 9। तो पहले बच्चे को 9 ऊंट मिल गए। दूसरा जो बच्चा है सर, उसके लिए वसीयत लिखी हुई थी कि 1/3 मिलना चाहिए। अब 1/3 जब आप डिवाइड करेंगे 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 18, यानी रेशोज है ये पूरा, तो जब आप ये कर देंगे तो सर दूसरे बच्चे के हिस्से में जो ऊंट जो आएंगे वो 18/3 जब आप 3 करेंगे तो ये आ जाएंगे ऑलमोस्ट कोई 6। तो दूसरे के हिस्से में आ गए 6 और पहले के हिस्से में आ गए 9, 9 और 6 ये हो गए 15। अब बचे 3 ऊंट, तो तीसरे की जो वसीयत जो लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी कि 1/9 होनी चाहिए। अब 1/9 कैसे होगी, 1 × 18 करेंगे तो 18/9, जब 18/9 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब सर तीसरे को कितने मिलने चाहिए, 2 ऊंट, यानी पहले को मिल गए 9, दूसरे को मिल गए 6 और तीसरे को मिल गए 2, ये टोटल 9, 6 और 2 ये 17 ऊंट हो गए उसकी वसीयत के हिसाब से। और हजरत अली ने कहा कि मेरा जो ऊंट लिया था वो मुझे वापस कर दो 18th वाला। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन थी मौला अली की और ये फैसला था। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, अस्सलामुअलैकुम।